नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुमित। आज के दिन हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो है मंथली इनकम प्लान। दोस्तों, मंथली इनकम प्लान जो है बेसिकली एक डेब्ट कैटेगरी का म्यूचुअल फंड रहता है, जिसका कि बेसिकली टाइप देखा जाए तो ये बैलेंस्ड हाइब्रिड डेब्ट फंड्स में आता है, जिसमें कि आप जो पैसा निवेश करते हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होता है एंड रिमेनिंग जो आपका जो पैसा है वो आपका इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टेड रहता है। यानी बेसिकली मंथली इनकम प्लान्स में आपका प्राइमरी पार्ट ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज मेड इन आपका डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ट्रेजरीबल्स, डिबेंचर्स में आपका इन्वेस्टेड रहता है। यानी 75-95% जो पैसा है वो आपका डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में जाता है एंड 5-25% जो है आपका वो इक्विटी में यानी कि शेयर्स में इन्वेस्टेड होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो अगर हम लोग इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात करें तो बेसिकली हिस्टोरिकल रिटर्न जो मंथली इनकम प्लान के रहे हैं पिछले 10 सालों में वो 9-11% के आसपास रहे हैं। दोस्तों, ये किन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल है? तो बेसिकली दोस्तों ये उन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल है जो कि एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके उससे स्टडी इनकम जनरेट करते रहना चाहते हैं। सो बेसिकली ये आइडियल किन के लिए रहेगा? रिटायर्ड पीपल, जिनको कि रिटायरमेंट पे लमसम पैसा मिलता है और उस पैसे को वो इन्वेस्ट करके इससे मंथली जो है अपना स्टडी इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो बेसिकली इट इज़ आइडियल फॉर इन्वेस्टर्स हु वॉन्टेड टू इन्वेस्ट लमसम अमाउंट एंड गेट स्टडी रिटर्न ऑन सर्टन पीरियड पे, उनको रिटर्न चाहते हैं वो। दोस्तों, अब हम लोग इसकी बात करते हैं कि यदि आपने इसमें ग्रोथ ऑप्शन लिया है तो आपको जो प्रॉफिट जो हो रहा है वो आपका री इन्वेस्ट होता है। अगर आपने इसका डिविडेंड ऑप्शन लिया है तो आपको जो है इसमें मंथली, क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पर आपको डिविडेंड आप ऑप्शन अवेल कर सकते हैं, डिविडेंड आपको मिलता है। दोस्तों, हम लोग इसकी बात करें इससे टैक्सेशन की, तो टैक्सेशन जो है इसका, तो दोस्तों अगर आप 3 साल के पहले अगर पैसा निकालते हैं तो आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना रहता है। अगर आपका होल्डिंग 3 साल से ज़्यादा का है, यानी कि चूंकि एक डेब्ट फंड है, तो आपको जो टैक्स जो लगेगा वो 20% लगेगा आफ्टर इंडेक्सेशन। तो दोस्तों, ये तो बात हुई टैक्सेशन की। दोस्तों, अब हम इसकी बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो दोस्तों, एडवांटेजेस की हम लोग इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर आपका रिस्क लो रहता है, क्योंकि आपका प्राइमरीली जो आपका पैसा जो है मोस्ट जो आपका प्राइमरी जो पैसा है वो आपका डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टेड है, इसलिए आपका रिस्क लो रहता है, आपके रिटर्न्स हायर रहते हैं इन कंपैरिजन टू आपके जो ट्रेडिशनल ऑप्शन है जैसे कि एफडी। सो एफडी के कंपैरिजन में जो है आपको यहाँ पर टैक्सेशन भी जो है आपको टैक्स कम लगता है, साथ ही साथ जो आपके रिटर्न्स जो रहते हैं हायर रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो आपका पैसा है वो आपका इक्विटी में भी जाता है। एंड यहाँ पर दूसरा एडवांटेज जो मिलता है वो मिलता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपका पैसा जो है वो 2 एसेट क्लास में जा रहा है, यानी कि आपका डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में भी जा रहा है, डेब्ट क्लास में जा रहा है, साथ ही साथ इक्विटी क्लास में भी जा रहा है। तो यहाँ पर जो डाइवर्सिफिकेशन जो है ये काफ़ी रहता है, क्योंकि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट से आपको एक फिक्स रिटर्न की गारंटी रहती है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट से आपको हायर रिटर्न्स जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है। सो दोस्तों, आज के दिन मैंने आपको मंथली इनकम प्लान्स के बारे में समझाने की कोशिश करी, होप ये आपको जानकारी समझ में आई होगी। सो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।